दुनिया में ऐसे कुछ ही शहर हैं जिनके सदियों का इतिहास तरह तरह से लोगों के जीवन की पहचान बन चुका है। आज उनमें सबसे पहले नाम आता है वाराणसी का, जिसका 5000 वर्षों से ज्यादा पुराना इतिहास, जिसकी आध्यात्मिक पहचान, जिसका संस्कृति, शिक्षा, संगीत, ज्ञान और खान पान का स्रोत होना इसे विश्व में सबसे लोकप्रिय, जीवंत पुरातात्विक एवं पौराणिक शहर बनाता है। जहां एक ओर हम बनारस के पुरातात्विक महत्व की बात करते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर यह शहर अपनी प्राचीन पहचान को कायम रखते हुए आधुनिकता की ओर निरंतर अग्रसर है। अगर ये संयोग है तो है कि देश को एक सक्षम प्रधानमंत्री मिले हैं और प्रदेश को एक योग्य मुख्यमंत्री, जो इस शहर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गरिमा को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं। जहां एक ओर लोगों का जीवन सुगम होता जा रहा है, वहीं इस शहर के प्रति विदेशी पर्यटकों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। यह अपने आप में एक मनोरंजक और कौतूहल का विषय है कि बनारसियों को तो आधुनिकता चाहिए, जबकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को इसकी पौराणिकता का दर्शन करते रहना है। यही कारण है कि इसे बदलता बनारस की संज्ञा दी गई है। जब बात हो रही है आधुनिकता की, तो चलिए जानते हैं विकास की परियोजनाओं के बारे में, जिनमें से कुछ पूर्ण हो चुकी है, जिनका आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण होने जा रहा है, और कुछ शुरू होने को है, जिनका आज शिलान्यास भी होने जा रहा है। लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की कुल लागत 55.72 करोड़ रुपए है। वहीं जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, उनकी लागत 718.87 करोड़ रुपए है। सुगम यातायात के लिए कई व्यस्ततम स्थानों पर फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज की आवश्यकता रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए महमूरगंज से मड़ुआडी को जोड़ते हुए ओवर ब्रिज का निर्माण सेतु निर्माण इकाई वाराणसी की ओर से लगभग 39.17 करोड़ रुपए से किया गया। शहर की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस लाइन में एसटीएम भवन का निर्माण कराया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की निर्माण इकाई द्वारा 1.25 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा अभियान के तहत डिग्री कॉलेज को नई तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की निर्माण इकाई द्वारा 75 लाख रुपए की लागत से वाराणसी के जखनी में सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय डिग्री कॉलेज एवं DLW में राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लैब और कक्षाओं का निर्माण पूर्ण कराया गया है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ जीवन का वास होता है, अतः वर्तमान सरकार शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत है। इसके अंतर्गत रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय के उच्चीकरण का कार्य पैक फेड फैजाबाद यूनिट की ओर से 79.11 लाख रुपए से कराया गया। शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर राजा तालाब में तहसील की नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इस भवन का निर्माण 3.40 करोड़ की लागत से पैक फेड वाराणसी के निर्माण खंड प्रथम इकाई द्वारा कराया गया। हमारे देश की पहचान हमारे गांव से है। कहने को तो गांव के लिए बहुत कुछ होता आया है, लेकिन वास्तव में कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक पानी की भी पर्याप्त सुविधा नहीं हुई है। कल्लीपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत जल निगम के निर्माण खंड द्वारा 1.40 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना स्थापित की गई है। गंगा दर्शन गेस्ट हाउस श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर दशाश्वमेध घाट के निकट है।
इस 4 मंजिला इमारत में 38 सुसज्जित कमरों के साथ साथ विश्व स्तरीय रहने और सात्विक भोजन की सुविधा यहां आने वाले दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों को दी जाएगी। इस अतिथि गृह को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा अनुबंधित अनुभवी प्रबंधकों द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे न्यास को प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ रुपए की आय होगी। बनारस अब आगे बढ़ रहा है, लगातार नई योजनाएं यहां अपने कदम रख रही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐसी ही 19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 718.87 करोड़ रुपए है। ट्रैफिक सुधार के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। शहर को फ्लाई ओवरों एवं ओवर ब्रिजों से संवारने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत कई 4-लेन रोड ओवर ब्रिज परियोजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम गाजीपुर द्वारा लहरतारा से शिवपुर चुंगी तक 4-लेन रोड ओवर ब्रिज संपर्क मार्ग एवं वरुणा नदी पर सेतु का निर्माण, कुल लागत 144.63 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम वाराणसी द्वारा वरुणा नदी पर कोनिया सालारपुर मार्ग पर कोनिया घाट के सामने सेतु निर्माण का कार्य, लागत 26.21 करोड़ रुपए। एवं पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी औढ़ियार सेक्शन के तहत वाराणसी गाजीपुर मार्ग संपार संख्या 20 स्पेशल पर 3-लेन ओवर ब्रिज का निर्माण, लागत 35.71 करोड़ रुपए। लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले शिलान्यास परियोजनाओं का विवरण, शिवपुर लहरतारा फुलवरिया मार्ग पर 4-लेन मार्ग का निर्माण कार्य, लागत 166.14 करोड़ रुपए। पहाड़िया बेला मार्ग को 1-लेन से 2-लेन तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, लागत 19.07 करोड़ रुपए। सारनाथ से मुनारी होते हुए रौना खुर्द तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, लागत 26.92 करोड़ रुपए। धरसौना से नियार होते हुए रजला गोमती नदी के किनारे तक चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य, लागत 19.07 करोड़ रुपए। राजा तालाब पुलिस चौकी से कौशलपुर होते हुए जखनी तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, लागत 15.35 करोड़ रुपए। लालपुर चट्टी से भीखमपुर होते हुए तक्खू की बावली तक सड़क निर्माण कार्य, लागत 16.87 करोड़ रुपए। जखनी त्रिमुहानी से शहनशाहपुर होते हुए बिलवता तक सड़क निर्माण कार्य, लागत 5.79 करोड़ रुपए। छित्तूपुर टीकरी आईटीआई डाफी बाईपास से नुआव बाईपास मार्ग तक निर्माण कार्य, लागत 8.72 करोड़ रुपए। साथ ही भावपुर कालिका धाम मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य, लागत 29.12 करोड़ रुपए। और मोहनसराय से लहरतारा वाया अकेलवा कोटवा मार्ग का कार्य, लागत 42.60 करोड़ रुपए। जनपद वाराणसी के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के आईटी ब्लॉक प्रधानाचार्य आवास गेस्ट एवं गार्ड रूम का निर्माण कार्य यूपीपीसीएल वाराणसी द्वारा कार्य, लागत 4.13 करोड़ रुपए। सांसद आदर्श ग्राम नागेपुर पेयजल योजना का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम सष्टम निर्माण खंड द्वारा, लागत 2.74 करोड़ रुपए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण के अनुदान से बीएचयू परिसर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, बीएचयू गेट, पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिमा, सामने घाट पुल,
एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पे प्रकाश व्यवस्था, कुल लागत 3.86 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लागत 154.94 करोड़ रुपए। ऐसी ही बहुत सारी विकास से जुड़ी परियोजनाएं वाराणसी में मूर्त रूप ले रही हैं, यानी आने वाला कल शहर के संवरे हुए रूप को जरूर देखेगा।